आज हम एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे जिसमें कि तीन सॉकेट को तीन स्विचेस की मदद से हम काम करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है। तो जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है, जो फेज होता है वो हम सारे जो स्विचेस होते हैं उनके नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। तो जैसे फेज है, हमारे पास ये तीन स्विचेस है, एक दो और ये तीन, तीन स्विचेस है और ये हमारे पास थ्री पिन तीन सॉकेट है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो फेज है उठा के ये स्विचेस के नीचे कनेक्ट कर देंगे। ये वाला हमने यहाँ पे दिया, इसके बाद उठा के हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहीं से फेज हमने उठा के यहाँ दिया और यहाँ से उठा के फेज हम यहाँ देंगे। हमने हर एक जो स्विच है इनको सेपरेट तरीके से फेज का फेज दे दिया। अब इसके बाद जैसे कि हमें इस सॉकेट को इस स्विच की मदद से चलाना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जैसे लास्ट टाइम वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो सॉकेट होता है इसमें पहले से प्री डिफाइंड होता है कि अर्थिंग कौन सा होता है, न्यूट्रल कौन सा होता है और फेज कौन सा होता है। जैसे कि इस वाले में क्लियर है कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अपना एल लिखा हुआ है और ये आपका एन लिखा हुआ है और ये अपना अर्थिंग का सिंबल है। दैट मीन्स एल मतलब ये हमारा फेज वाला पॉइंट है और ये वाला हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है और ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है। तो यहाँ पे पहले से लिखा होगा एल एन एल, तो ये हमारा एल एन एल मतलब लाइन और एन मतलब न्यूट्रल, और इस तरीके से यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल बना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस वाले सॉकेट को इस स्विच की मदद से चलाना है, इस वाले सॉकेट को इस स्विच की मदद से काम करवाना है और इस वाले सॉकेट को इस स्विच की मदद से करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फेज ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से हम इसके एल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से इस वाले का वो हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ सभी जगह जो स्विच और सॉकेट है सभी पे हमने फेज दे दिया। अब हम इसको सॉकेट को हम न्यूट्रल देंगे। तो ये वाला न्यूट्रल है, तो यहाँ से हम किसी एक पॉइंट पे पहले न्यूट्रल देंगे, ये न्यूट्रल दिया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी न्यूट्रल दे देंगे और यहां से इसके बाजू वाले को। ये हो गया हमारा सिंपल एक एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये बोर्ड है जिसमें कि हमारे पास तीन सॉकेट लगे और तीन स्विच लगे हुए हैं। ये इसका बाहरी रूप है और हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये अंदर से इस तरीके से दिखता है। अब जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से इस वाले स्विच को यहाँ से कनेक्शन देंगे, इस वाले स्विच को यहाँ से कनेक्शन देंगे। यहाँ पे हमने दो वायर लेके रखे हैं, कि येलो लेके रखा है, एक ब्लू लेके रखा है। ये ब्लू वाला हमने फेज के लिए लेके रखा है तथा जो येलो है ये हमने न्यूट्रल के लिए लेके रखा है। तो सिंपल जो फेज वाला वायर है ये हमारा जो कि जैसे हमने देखा है सबसे पहले ये कहाँ आएगा, हमारे स्विच के नीचे आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। इसमें हम यहाँ से सब स्विचेस के नीचे फेज दे देंगे, मतलब यहाँ पे हमने मेन फेज दे दिया, इसको फिर उठा के हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो इससे सेकंड वाले स्विच पे मेन फेज चला जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको फेज देना, तो इसको हम उठा के यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे हर एक स्विच को मेन सप्लाई दे दिया। अब इसके बाद हम हर एक सॉकेट को एक स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब इस स्विच को, इस सॉकेट को हम यहाँ से फेज कनेक्शन करेंगे, मतलब इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, इस वाले स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे, उस वाले स्विच को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। मतलब सिंपल, अगर हम देखें इसमें सिंपल ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ को यहाँ इसको ऐसे सेम टू सेम हम इस वाले स्विच को इस वाले सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे।
इसी तरीके से हम इस वाले स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। इसमें हमने सारी जगह फेज दे दिया, उसके बाद हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। येलो वाला हमारा न्यूट्रल था, अब हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल वाला पॉइंट दो वायर लिया हमने, यहाँ से हम क्या करेंगे न्यूट्रल को यहाँ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमें न्यूट्रल चाहिए तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से इस वाले न्यूट्रल को इस वाले न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए सिंपल हम ये लिया हमने, दो वायर को इकट्ठा कनेक्ट कर दिया और यहाँ से कनेक्ट करके जोड़ दिया और इसको हम फंस देते हैं। इसी तरीके से हमने इसको लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये सिंपल हो गया हमारा, ये हमने पूरा कंप्लीट वायरिंग कर दी। ये वाला हमारा फेज वाला वायर था, हमने सब स्विचेस को फेज दे दिए। ये हमारे तीन सॉकेट थे, सॉकेट को हमने हर एक स्विच से फेज दे दिया। ये हमारा न्यूट्रल था और हमने तीनों सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया। ये हमारी कंप्लीट वायरिंग है हमारे तीन स्विचेस को तीन सॉकेट से कनेक्ट करने की। ये हमने बोर्ड बना लिया, अब इसके बाद हम इनका टेस्ट करते हैं, चेक करेंगे कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। ये सिंपल हमने लिया, ये देखिए, ये बन चालू हो रहा है इस तरीके से। सेकंड वाला ये भी, ये हमारा तीसरा।